आम आदमी पार्टी वालों अज सोलन के एक रोड शो किया जा रहा आम आदमी पार्टी के कैंडीडेट अनिल साढ़े नाल ने जो सुजान तो कैंडीडेट ने सो अनिल जी अज रोड शो कर रहे हो की उद्देश्य हम आज जैसे आप देख रहे हैं सबसे पहले तो नमस्कार आपके सारे दर्शकों को मैं अनिल राणा सुजानपुर से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूँ इस बारी तो आज जो हमारा रोड शो है इसमें हमारा मकसद है कि जो दूसरी पार्टी हम लोगों को बोल रही थी कि हम वो हिमाचल में बहुत ठंडे हैं हिमाचल ठंडा प्रदेश है और आम आदमी पार्टी जो है वो हिमाचल में ध्यान नहीं दे रही है तो ये लोगों को दिखाने के लिए है और सारे दोनों को बताने के लिए है कि हम आम आदमी पार्टी हिमाचल में उतनी सक्रिय है जितनी दूसरी स्टेट्स में है और जो हमारे संदेश हैं कि हम हिमाचल में इलेक्शंस के लिए पूरे तैयार हैं वो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं हिमाचल की जे आम आदमी पार्टी जी ने लोगों को दिखाना चाहते हैं किहड़े काम करोगे जी आपां भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हैं जो हमारे मेन मुद्दे हैं हम अच्छी शिक्षा के साथ हैं और हम अच्छे अस्पतालों के साथ हैं और जो सबसे बड़ा मुद्दे हमारे बेरोजगारी जो है हिमाचल में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे ना इंडस्ट्री है ना कोई ऐसे रोजगार के साधन है यहाँ का युवा पलायन करता है चंडीगढ़ दिल्ली जाता है तो हमारा रोजगार जो मेरा जैसे मैं खुद यंग हूँ 31 इयर्स का हूँ तो मेरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार का है कि हम यहाँ पे युवाओं को रोजगार दें ताकि हिमाचल का लोग हिमाचल में रहें उनको बाहर ना जाना यंग हो 31 साल उम्र दस रहे हो लगता भी आम आदमी पार्टी नौजवानों अगे लेके आ रही है क्योंकि पुरानी प्रथा है जी लोग अपने परिवार च ही कर देंगे बिल्कुल लगता है जी क्यों नहीं लगता आप देखिए क्योंकि मैं पॉलिटिकल परिवार से नहीं हूँ है ना मैं एक इंजीनियर हूँ 10 साल मैंने IT में नौकरी करी है उसके बाद जिस तरीके से आम आदमी ने पार्टी ने मुझे कैंडिडेट घोषित किया मतलब ये सबके लिए सरप्राइजिंग है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग देखते हैं कि आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कितना है और युवा पे जो आम आदमी पार्टी इतना भरोसा कर रही है जो देश की ताकत है आने वाला देश का विकास के लिए हम साथ काम कर रहे हैं तो इसमें आम आदमी पार्टी तो सबको दिखा रही है कि हम युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं और सबको साथ लेकर चल रहे हैं नौजवानों को नाल लेके चल रहे हैं कह रहे हो आम आदमी पार्टी दिखा रही है हिमाचल तो बाद गुजरात से चुना ने उधर की रणनीति रहे देखो जैसे हम जो हमारे मुद्दे हैं पूरे देश में ही सेम है बेरोजगारी भ्रष्टाचार अच्छे स्कूल्स अच्छे स्वास्थ्य तो रणनीति हिसाब हो जाएगा सेम है अच्छी राजनीति करते हैं राजनीति तो आती ही नहीं है हम तो जो मुद्दे हैं उनको पकड़ते हैं हम लोग कि जो पुराने नेताओं ने राजनीति को बहुत ख़राब कर दिया है राजनीति मतलब हम लोगों के सेवक हैं तो हम तो हर जगह जो भी मुद्दे हैं उनको उजागर करते हैं नए नए जो लोग हैं उनको राजनीति में लेके आते हैं और जो पुराना ये जो रूढ़ीवादी राजनीति है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं सो लास्ट जाते आम लोगों की गल कर रहे हो लोगों लिए काम कर रहे हो नौजवानों लिए काम कर रहे हो पर जे देखा जाए जिस तरह तुम दस रहे हो बेरोजगारी बढ़ी जा रही है उन्होंने किवें ठल पाओगे देखो जी बेरोजगारी का जो है हमारे पास जैसे मैं खुद IT सेक्टर से हूँ मैंने 10 साल IT में इन्वेस्ट किया है तो हम IT सेक्टर को यहाँ पे हिमाचल में लेके आएंगे IT पार्क सेटअप करेंगे और IT नॉन पोल्यूटेड सेक्टर है टूरिज्म कुछ एरियाज में ही है हिमाचल के बहुत ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं जहाँ पे टूरिज्म है ही नहीं तो हम उन एरियाज में भी टूरिज्म को लेके आएंगे उसके साथ साथ हम सेल्फ डिपेंडेंट भी लोगों को बनाएंगे छोटे छोटे रोजगार हम लोगों को देंगे जिसमें हम लोगों की सहायता भी करेंगे तो लोग सिर्फ नौकरी ना करें रोजगार भी दें लोगों को और सेल्फ डिपेंडेंट बने इसके साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट बने लोग कह रहे हो कि नवे लेके आवांगे साधन वो केड़े होंगे नवे प्लेस क्योंकि शिमला बहुत फेमस है देखो जी शिमला तो टूरिस्ट के लिए ऐसी प्लेस है जैसे मैं सुजानपुर से हूँ तो हमारे सुजानपुर के लिए भी बहुत प्लान है कि हम उन एक्सप्लोर्ड एरियाज में भी टूरिज्म लेके आए और जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं बहुत लघु उद्योग जिनको हम बोलते हैं जैसे पेन बनाना झाड़ू बनाना बल्ले बनाना जो 50,000 1,00,000 की इनकम में हो जाते हैं तो वो चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे उसके साथ साथ हिमाचल में जो है हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है तो उसको भी हम प्रमोट करके जो है दूसरे स्टेट्स में हम जो है वो अपना एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को ताकि यहाँ के लोगों को आमदनी बढ़े सबके और पैसे आए धन्यवाद लोगों की आमदनी बढ़े तो लोगों को रोजगार के लिए प्रोत्साहन करेंगे आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनती है हिमाचल तो चंडीगढ़ तो रवि जगतू।